मौका है नए साल का 2021 से, अब हम लोग 2022 में प्रवेश कर चुके हैं। और ऐसे में राजधानी रांची की बात करें तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे साईं मंदिर में लोग जो हैं वो पहुंच रहे हैं, और सुबह सुबह का मौका है। और ऐसे में लगातार जो है, चूंकि आज पहली तारीख है, और ऐसे में सभी भक्त जो हैं वो मंदिर पहुंच रहे हैं, और मंदिर में ये कामना कर रहे हैं कि ये जो नया साल है वो अच्छा रहे। कोरोना जो है, जिस तरीके से कोरोना फिर से प्रवेश कर चुका है, ऐसे में अब जो है ये लोग जो हैं प्रार्थना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि जो कोरोना काल है वो नहीं आए। आप देख सकते हैं मंदिरों में किस तरीके से भीड़ जो है वो नज़र आ रही है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे में लोग भी अब कामना करने पहुंच रहे हैं कि किस तरीके से जो है कोरोना काल में नए साल में प्रवेश करें। मैडम 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 ये बताइए कि नए साल में प्रवेश कर गई हैं, कोरोना को देखते हुए क्या कुछ आपने भगवान से कामना की? हाँ, भगवान से हम यही कामना कर रहे हैं कि समय तो बीतता आया है, बीतता चला जाएगा, लेकिन कोई भी अगर किसी तरह का प्राकृतिक आपदा है, जो भी है, बीमारी है, आ रही है, उसी तरह से जाएगी, लेकिन हम सुरक्षित रहें, डरे नहीं, इसका मुकाबला करें। डर करके घर में बैठ जाने से काम नहीं होगा, लेकिन सुरक्षित तो रह सकते हैं। आज मेरी बेटी अमेरिका गई हुई है, और वहाँ जा करके वहाँ भी कोविड से परेशान हैं लोग, लेकिन बेटी को हम आज ही सुबह बात किए हैं तो बोले हैं कि नहीं बेटा, डरना नहीं है, ये चीज़ आते रहेगा, जाते रहेगा। कोरोना काल में डरना नहीं है, मुकाबला करना है, और इसी को लेकर के आज पहली तारीख है 1 जनवरी, और ऐसे में लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सर, आज पहली जनवरी है, आज आप लोग यहाँ पर मंदिर पहुँचे हैं, क्या कामना किए हैं? बस मैं यही कामना किया हूँ कि जल्द से जल्द कोरोना से जो हम लोग जूझ रहे हो, कम से कम जितना जल्दी हो ये समाप्त हो जाए, हम सभी सुरक्षित रहें, माँ से यही हमारी कामना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों में जो है वो ऊर्जा देखी जा रही है, और साथ ही साथ लोगों का साफ कहना है कि कोरोना से मुकाबला करना है, कोरोना से घबराना नहीं है। सहयोगी नवल के साथ अंकुश सिन्हा, समाचार प्लस रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।